रिसेंटली जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक नया क्लाइमैक्स देखने को मिला है। दरअसल हुआ ये कि रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग से मुलाकात की है। अब इन दोनों ही कट्टर देशों के टॉप लीडर्स बाइडेन और सी जिनपिंग की मुलाकात के तुरंत बाद एक बड़ा खेल हो गया है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चाइनीज राष्ट्रपति सी जिनपिंग पर एक बड़ा हमला कर दिया है। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि आखिर सी जिनपिंग और बाइडेन ने ये मुलाकात की क्यों है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दरअसल आप लोगों को याद होगा कि जून के महीने में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरह चाइना के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को भी एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहा था, और इस बयान के बाद अमेरिका और चाइना के बीच में काफी बवाल भी मचा था। लेकिन अब अचानक से 5 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सी जिनपिंग आमने सामने ही आ गए और तकरीबन 4 घंटे की एक लंबी मुलाकात की। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग के साथ एक चीनी प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है, और सैन फ्रांसिस्को में ही जो बाइडेन और सी जिनपिंग के बीच में एक मुलाकात हुई, और चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की इस मीटिंग पर भारत ने भी अपनी आंखें गड़ाए रखी थी कि आखिर जो बाइडेन सी जिनपिंग से मिलकर करना क्या चाहते हैं, क्योंकि इस बार अमेरिका ने खुद चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग को इन्वाइट किया था, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग भी जो बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंच गए और एक बार फिर से भारत की धड़कनें बढ़ा दी, क्योंकि अमेरिका इस समय भारत के कंधे पर बंदूक रखकर चीन पर चलाना चाहता है। इसलिए पिछले कई महीनों से लगातार भारत के साथ खड़ा होकर भारत को चाइना के खिलाफ उकसा रहा था। अब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सी जिनपिंग से मुलाकात की है, लेकिन पूरा भारत उस समय हैरान रह गया जब इस मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से सी जिनपिंग को डिक्टेटर बोल दिया, क्योंकि सी जिनपिंग के साथ की गई मीटिंग के तुरंत बाद जो बाइडेन ने एक सिंगल कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो अब भी सी जिनपिंग को एक डिक्टेटर यानी कि तानाशाह मानते हैं, तो जो बाइडेन ने इस बार भी ये साफ कर दिया कि हाँ अब भी वो एक तानाशाह है। हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आखिर जो बाइडेन ने सी जिनपिंग से इस मुलाकात को क्यों किया है। इसके पीछे के कुछ मेन कारण हैं, जिनमें ताइवान, ईरान, इजराइल, हमास वॉर और मिलिट्री कम्युनिकेशन शामिल हैं, क्योंकि चाइना लगातार ताइवान पर एग्रेसिव हो रहा है और ईरान के साथ भी अपने रिलेशन को मजबूत कर रहा है और इजराइल के खिलाफ भी खुलकर खड़ा हो गया है। इसलिए इजराइल वॉर के बीच ही जो बाइडेन ने सी जिनपिंग से इस मुलाकात को किया। अब देखना होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस मुलाकात का क्या रिजल्ट निकलता है, कि चाइना अपनी रणनीति को बदलता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।